है hey इस वीडियो पे आज हम हेट्रॉस मेथड को देखने वाले ये आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट है हेट्रॉस मेथड आपका वन ऑफ द मेथड है ट्रांसपोर्ट नंबर निकालने के लिए दो मेथड्स आपके पास होते हैं एक आपका हिट्रॉस मेथड आता है दूसरा आपका आता है मूविंग बाउंड्री मेथड तो इस वीडियो पर हम हेट्रॉस मैथड को डिटेल पर देखेंगे हेट्रॉस मैथड को समझने से पहले आपका हिट्रॉप रूल क्या होता है जो हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था उसको हमें रिवाइज़ करना जरूरी है पहले हम देखते हैं क्या है उसके बाद यहाँ पर हम इस मैथड को डिटेल पर समझेंगे तो रूल क्या कहता है आपका कि किसी भी इलेक्ट्रोड में चाहे आपके पास कैथोडो या एनोडो किसी भी इलेक्ट्रोड में जो कंसनट्रेशन की कमी आ रही है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल है उस आयन के स्पीड के जो उस इलेक्ट्रोड से दूर भाग रहा है द लॉस ऑफ कंसनट्रेशन अराउंड एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द आयन मूविंग अवे फ्रॉम दैट इलेक्ट्रोड फॉर एग्जाम्पल आपके पास कैथोड इलेक्ट्रोड है कैथोड क्या आपके पास एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से दूर कौन भागेगा जो आपका नेगेटिव होगा जो आपका नेगेटिव आयन होगा वो आपका दूर भागेगा तो आपका जो एनायनिक वाला पार्ट है एनायन पार्ट है वो आपका कैथोड से दूर भागेगा क्योंकि लाइक like चार्जेस आपके रिपेल करेंगे कैथोड इलेक्ट्रोड आपका ऑलरेडी नेगेटिव है एनायन क्या आपका नेगेटिव है तो दोनों क्या करेंगे रिपेल करेंगे तो जो आपके कैथोड इलेक्ट्रोड में कंसनट्रेशन का फॉल आएगा वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगा टू द स्पीड ऑफ एनायन मूविंग अवे फ्रॉम दैट कैथोड ठीक है दूसरा एग्जाम्पल ले लो एनोड आपके पास है एनोड इलेक्ट्रोड क्या होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो पॉजिटिव से दूर कौन भागेगा जो आपका पॉजिटिव आयन होगा मतलब कटायन आपका दूर भागेगा तो जो आपका कंसनट्रेशन में फॉल आएगा एनोड पे एनोड इलेक्ट्रोड पे वो डायरेक्टली प्रपोशनल होगा टू द स्पीड ऑफ द कटायन मूविंग अवे फ्रॉम दैट एनोड ये आपका रूल कहता है और इसी की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि द फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड एनोड में कंसनट्रेशन की जो कमी आ रही है वो कटाइन के स्पीड के इक्वल है और कटाइन के स्पीड किसके इक्वल है वी प्लस जिससे हमको यहाँ पर शो करते हैं और फॉल अराउंड कैथोड कैथोड में जो आपका कंसनट्रेशन की कमी आ रही है वो किसके इक्वल है टू द स्पीड ऑफ एनाइन और उसको हम लिख सकते हैं वी माइनस से रेशियो ले लो फॉल अराउंड एनोड अपॉन फॉल अराउंड कैथोड और किसके इक्वल होगा V प्लस अपॉन V माइनस के क्लियर हो गया अब हमने प्रीवियस वीडियो पे ट्रांसपोर्ट नंबर देखा था कि ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन टी प्लस क्या होता है किसके इक्वल होता है वी प्लस अपॉन वी प्लस प्लस वी माइनस वी प्लस क्या है वी प्लस आपके पास है स्पीड ऑफ कटाइन अपॉन स्पीड ऑफ कटाइन प्लस स्पीड ऑफ एनायन तो ये आपके पास जो है रेशियो ये आपका होता है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन और इसको हम टी प्लस से शो करते हैं अगर हमें ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन निकालना है तो उसको हम टी माइनस से शो करेंगे और वो किसके इक्वल होगा न्यूमिरेटर में उस समय आपका वी माइनस आ जाएगा वी माइनस अपॉन वी प्लस प्लस वी माइनस वो होता है आपका ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन ये हमने प्रीवियस वीडियो पे ट्रांसपोर्ट नंबर वाली वीडियो पे डिटेल पे देखा था ठीक है अब आपके पास जो वी प्लस है वी प्लस के आपके पास फॉल अराउंड एनोड तो वी प्लस को मैं लिख सकता हूँ फॉल अराउंड एनोड और नीचे में लिख सकता हूँ वी प्लस फॉल अराउंड एनोड प्लस वी माइनस क्या है फॉल अराउंड कैथोड तो क्या आ जाएगा फॉल अराउंड एनोड प्लस फॉल अराउंड कैथोड ठीक है अब ये जो आपका एनोड और कैथोड में कंसंट्रेशन का फॉल आ रखा इसको हम ग्राम इक्विवेलेंट पे देखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट पे इसको हम डिटरमाइन करते हैं तो आपका जो एनोड में कंसनट्रेशन का फॉल है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ फॉल इन द कंसनट्रेशन अराउंड एनोड इन ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन टोटल फॉल फॉल अराउंड एनोड प्लस फॉल अराउंड कैथोड टोटल फॉल इन ईच कंपार्टमेंट इन ग्राम इक्विवेलेंट इन ईच कंपार्टमेंट मतलब कि एनोडिक कंपार्टमेंट प्लस कैथोडिक कंपार्टमेंट मिला करके जो टोटल कंसनट्रेशन का फॉल आ रखा है वो है आपका ये टोटल फॉल ठीक है और इसको भी हम ग्राम इक्विवेलेंट पे ही मेज़र करेंगे अब क्या है जो आपका डिनोमीटर पे ये दे रखा है टोटल फॉल इन ईच कंपार्टमेंट ये जो आपका टोटल फॉल इन ईच कंपार्टमेंट लिखा हुआ है इन ग्राम इक्विवेलेंट ये किसके इक्वल होता है ये आपका डायरेक्टली प्रपोशनल होता है अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इन ग्राम इक्विवेलेंट एट सिल्वर वोल्टो या कोलामीटर अभी जब यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे अपरेटस को देखेंगे हेट्रॉस मेथड में तो उसमें आपका एक कोलामीटर यूज़ होता है वो आपका सिल्वर कोलामीटर भी हो सकता है या आपका कॉपर कोलामीटर भी हो सकता है वो आपको क्या बताएगा कि दोनों कंपार्टमेंट में एनोडिक प्लस कैथोडिक कंपार्टमेंट में दोनों में टोटल फॉरिन कंसनट्रेशन क्या है ठीक है तभी मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि जो टोटल फॉरिन ईच कंपार्टमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इन सिल्वर कोलामीटर कितना आपका अमाउंट डिपॉजिट हो रखा है सिल्वर कोलामीटर पे वो आपको बताएगा कि टोटल कंसनट्रेशन का फॉल दोनों कंपार्टमेंट पे दोनों कंपार्टमेंट मतलब एनोडिक प्लस कैथोडिक मिला करके टोटल फॉलिंग कंसनट्रेशन कितना आ रखा है वो आपको ये बताएगा कि कितना सिल्वर का अमाउंट उस कोलामीटर में डिपॉजिट हो रखा है तो हमारा मेन काम क्या है मेन हमें ये निकालना है पहला फॉल इन द कंसनट्रेशन अराउंड एनोड इन ग्राम इक्विवेलेंट दूसरा अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इन वोल्टर या इन सिल्वर कोलामीटर ठीक है तो इनका जो रेशियो होता है वो आपका होता है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटाइन अब जब हमने ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटाइन निकाल दिया है हमारे पास फॉमूला क्या होता है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटाइन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनयन किसके इक्वल होता है वन के इक्वल तो हमारे पास क्या आ गया ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटाइन तो आ गया तो यहाँ से हम ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनयन निकाल सकते हैं टी माइनस किसके इक्वल होगा वन माइनस टी प्लस के तो यहाँ से हम ईजिली ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन को निकाल सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से आपको ये करना है अब यहाँ पर हम जाते हैं हिट्रॉस मेथड पे यह आपके पास पूरा एपरेटस है हेट्रॉस मेथड का तो इस पूरे एपरेटस पर हमारे पास तीन कंपार्टमेंट है पहला कंपार्टमेंट है एनोड का दूसरा कंपार्टमेंट है मिडिल कंपार्टमेंट और तीसरा कंपार्टमेंट है कैथोड कंपार्टमेंट जो आपका मिडिल कंपार्टमेंट है वो आपके यूट्यूब का बन रखा है एनोड कंपार्टमेंट में आपका एनोड इलेक्ट्रोड है कैथोड कंपार्टमेंट में आपका कैथोड इलेक्ट्रोड है नीचे से हमने दो स्टॉप कॉक्स लगा रखी है स्टॉप कॉक्स इसलिए लगा रखी है जब इसको हम ओपन करेंगे तो आपका जो याला सॉल्यूशन है एनोड कंपार्टमेंट का वो हम ड्रेन आउट कर सकते हैं और सिमिलर तरीके से आपका जो कैथोड कंपार्टमेंट है इसको खोल करके यहाँ पर हम कैथोड का जो सॉल्यूशन है आपका जो इलेक्ट्रोटिक सॉल्यूशन है उसको भी हम आउट निकाल सकते हैं आराम से ठीक है दो हमने स्टॉप को आप यहाँ पर लगा रखे हैं यहाँ पर लगाने का रीज़न क्या है कि जब यहाँ पर आपका हमने इस यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद अगर हमें इसे बंद करना है इनका जो कॉम्बिनेशन इंटरेक्शन हो रहा है एनओडिक कंपार्टमेंट और कैथोडिक कंपार्टमेंट का तो इस स्टॉप को आपको बंद करके यहाँ पर हम इन दोनों का इंटरेक्शन कॉम्बिनेशन हम बंद कर सकते हैं मतलब एनोडिक कंपार्टमेंट और कैथोडिक कंपार्टमेंट का इंटरेक्शन को बंद करने के लिए ये दो स्टॉप कॉप आपके यहाँ पर लगाए जाएंगे आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिक करेंट ठीक है इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा ऊपर आपके पास एमीटर है यहाँ पर आपके पास बैटरी है साथ में वेरिएबल रेजिस्टेंस भी लगा लेते हैं रिओ सेट वगैरह ठीक है और यहाँ पर साथ में आपके पास एक सिल्वर कोलामीटर भी है अब यहाँ पर आप सिल्वर कोलामीटर भी ले सकते हो या कॉपर कोलामीटर भी ले सकते हो आपकी मर्जी है ठीक है सिल्वर कोलामीटर लोगे तो सिल्वर का वेट निकालोगे अगर आपका कॉपर कोलामीटर होगा तो आप कॉपर का निकालोगे अब कोलामीटर को हम वोल्टामीटर भी कहते हैं पहले से आपका कोलामीटर का नाम वोल्टामीटर होता था तो यहाँ पर मैंने सिल्वर वोल्टामीटर लिखा है आप चाहो तो कोलामीटर भी लिख सकते हो ठीक है अब आपका जो आपका एक पूरा एक्सपेरिमेंट है ये सक्सेसफुल है या फेलियर है वो कैसे पता चलेगा अगर आपका फाइनली लास्ट में एक्सपेरिमेंट में जब आप ट्रांसपोर्ट नंबर यहाँ पर निकाल रहे हो अगर आपका ये जो मिडिल कंपार्टमेंट में कंसनट्रेशन है इस यूट्यूब में जब आपने स्टॉप को बंद करा ये जो कंसनट्रेशन आपकी इसके अंदर रही होगी ये कंसनट्रेशन आपकी इनिशियल एक्सपेरिमेंट जब आपने एक्सपेरिमेंट शुरुआत की थी और बाद में अगर आपकी कंसनट्रेशन सेम रही दैट मीन्स आपका यहाँ पर जो पूरा एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेस है वरना आपका पूरा एक्सपेरिमेंट फेलियर होगा ठीक है तो ये चीज़ आपके इसमें रहती है कि कंसनट्रेशन आपका वेरी नहीं हो करना चाहिए कंसनट्रेशन आपका इस यूट्यूब में सेम रहना चाहिए ठीक है अब क्या करेंगे यहाँ पर हम इस पूरे अपरेटस में एनोडिक कंपार्टमेंट यूट्यूब कैथोडिक कंपार्टमेंट है हम यहाँ पर ए जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो यहाँ पर हम डालेंगे ए का सोल्यूशन हम डालते हैं इस पर ठीक है फिर आपके जो ए जी एन ओ थ्री है वो अपने इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस पर ब्रेक हो जाएंगे ए जी पॉजिटिव एनओ थ्री नेगेटिव अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड में चले जाएंगे ठीक है फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे स्टीडी करंट हम यहाँ पर पास करवाते हैं अराउंड पॉइंट जीरो वन एम का आपका करंट होता है वो हम पास करवाते हैं अराउंड दो से तीन घंटे तक दो से तीन घंटे तक पास कराने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो दो से तीन घंटे से ज़्यादा आपको पास नहीं करवाना है क्योंकि आपका जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो जाएगा अगर हम ज़्यादा लंबे समय तक स्टडी करंट को पास करवाएंगे तो हमें क्या करना है पॉइंट जीरो वन एमपेयर की करंट पास करवानी है फॉर ऑलमोस्ट टू से थ्री आवर्स तक हमें पास यहाँ पर पास करवाएंगे पास करवाने के बाद आफ्टर पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट हम इस एनोडिक कंपार्टमेंट में से जो आपका एजी एन ओ थ्री सोल्यूशन है उसको हम ड्रेन आउट कर लेंगे इस एनओडी कंपार्टमेंट में यहाँ पर जो आपका एजी एन थ्री सोल्यूशन होगा वो हम ड्रेन आउट करेंगे जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट पास कराई दो से तीन घंटे तक इन दोनों स्टॉप कॉक्स को हमने बंद करा दोनों स्टॉप कॉक्स को बंद करने के बाद एक सॉल्यूशन आपका यहाँ पर रहेगा और कुछ आपका यहाँ पर रहेगा ठीक है यहाँ पर और यहाँ पर आपका रहेगा जब हम स्टॉप कॉक को बंद कर देंगे उसके बाद हमें क्या करना है इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद करंट पास कराने के बाद इस एन कंपार्टमेंट में जो आपका सोल्यूशन होगा एजीन ओ थ्री उसको हम यहाँ पर निकालेंगे ड्रेन आउट करेंगे और उसको वे करेंगे ठीक है जो आपका सॉल्यूशन हमने यहाँ पर निकाला इस एनोडिक कंपार्टमेंट से उसको हमें वे करना है वे हम कैसे करेंगे इसका हम टाइटेशन करेंगे टाइटेशन हम क्या करते हैं एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यहाँ पर आपका पोटेशियम थायोसैनिट होगा तो यहां से हम पता लगाएंगे कि एनोड में आपका सिल्वर कंटेंट कितना मौजूद है या कितना कंसनट्रेशन का फॉल आपका आ आरख है तो जो आपकी पहली चीज़ है दैट मीन्स ये वाला फॉल इन द कंसनट्रेशन अराउंड एनोड इन ग्राम इक्विवेलेंट वो आपका यहाँ से निकल जाएगा जब इस एनोडिक कंपार्टमेंट से हम सॉल्यूशन को ड्रेन आउट करेंगे ठीक है दूसरा चीज़ हमें क्या निकालना है इस सिल्वर कोलामीटर पे जो आपका सिल्वर डिपॉजिटेड है इन एजी कोलामीटर वो भी यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे दोनों फाइंड आउट करने के बाद इसका यहाँ पर हम रेशो लेंगे रेशो से हमारा टी प्लस आ जाएगा दैट इज़ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटाइन क्लियर हो गया ठीक है अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन देखेंगे कैलकुलेशन देखने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रोड है अगर इलेक्ट्रोड आपके पास प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है या आपका पैलिडियम का इलेक्ट्रोड है तब तो आपके इलेक्ट्रोड्स क्या है अनअटैकेबल है दैट मीन्स कि आपका जो ए जी एन ओ थ्री सोल्यूशन है वो आपका इन इलेक्ट्रोड के साथ अटैक नहीं करेगा अगर आपका ये जो इलेक्ट्रोड है ये आपका सिल्वर इलेक्ट्रोड है तो सिल्वर इलेक्ट्रोड में क्या होगा उस वक्त आपके जो एनओ थ्री नेगेटिव आयंस है जो आपके इलेक्ट्रोलाइट में एनओ थ्री नेगेटिव आयंस होंगे वो आपके इस ए जी इलेक्ट्रोड के साथ क्या करेंगे रिएक्ट करेंगे और आपकी ए जी एन ओ थ्री की कंसनट्रेशन को बढ़ा देंगे क्या कहा मैंने अगर आपके पास ए जी इलेक्ट्रोड्स होंगे मौजूद तो उस समय जो आपका ए जी एन ओ थ्री ये पूरा सॉल्यूशन है इसमें आपके जो नाइट्रेट आयंस है नाइट्रेट आयंस आपके सिल्वर इलेक्ट्रोड में अटैक करेंगे जिसके वजह से आपका ए जी एन ओ थ्री की कंसनट्रेशन इस सॉल्यूशन पर बढ़ जाएगी दैट मीन्स उस समय आपका कंसनट्रेशन में फॉल नहीं होगा उस समय आपका कंसनट्रेशन पर इंक्रीज होगा समझ में आ रहा है ठीक है अभी हम कैलकुलेशन देखेंगे वहाँ पर आपको और क्लियर होगा तो सबसे पहली कैलकुलेशन आपके पास ये है कि वन इलेक्ट्रोड्स आर अनअटेकेबल जब आपके इलेक्ट्रोड्स अनअटैकेबल है मतलब जब यहाँ पर हम प्लेटिनम या पैलेडियम इलेक्ट्रोड का यूज़ कर रहे हैं ठीक है थेके? तो के एस वन हमारे पास क्या है कि वैन इलेक्ट्रोड्स आर अनअटेकेबल दैट मीन्स जब यहाँ पर हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे तो आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिक करेंट इलेक्ट्रिक करेंट पास करने के बाद जब हमने स्टीडी करेंट पॉइंट जीरो वन एमपेयर की पास करी अराउंड टू से थ्री आवर्स के लिए तो उसके बाद जो हमने यहाँ पर एनोडिक सॉल्यूशन में से जो हमने यहाँ पर वो पूरा सॉल्यूशन को ड्रेन आउट कर रखा है एनोडिक कंपार्टमेंट से तो उसका जो वेट है वो हम एक ग्राम मान रहे हैं कि जो इस एनोडिक कंपार्टमेंट में हमने जो एनोडिक सॉल्यूशन को निकाला हुआ है उसका जो वेट है वो आपका ए ग्राम है तो यहाँ पर क्या लिखा है आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिक करेंट इलेक्ट्रिक करेंट पास करने के बाद लेट द वेट ऑफ एनोडिक सॉल्यूशन टेकन आउट तो एनोडिक सॉल्यूशन का जो वेट है वो आपका ए ग्राम है ठीक है वेट ऑफ ए जी एन ओ थ्री प्रेजेंट इन इट बाई टाइट्रेशन मैंने क्या कहा था कि जब आपके एनोटिक कंपार्टमेंट में हम एनोटिक सोल्यूशन को निकालेंगे तो उसका वे हम करेंगे बाई टाइट्रेशन तो टाइट्रेशन करने के बाद जो आपके सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन का वेट आया है उसको मान लेते कि वो आपका बी ग्राम है क्लियर हो गया ठीक है अब क्या यहाँ पर क्या है आपके पास ये आपके पास ए जी एन ओ थ्री का सोल्यूशन है तो इसमें आपका ए जी एन ओ थ्री प्रेजेंट होगा और वाटर भी होगा समझ में आ रहा है ए थ्री का आपका सॉल्यूशन है तो इसमें आपका ए थ्री प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है तो अगर हमें यहाँ पर वेट ऑफ वाटर निकालना है तो हम क्या करेंगे वेट ऑफ एनोडिक सॉल्यूशन टेकन आउट माइनस टाइम वेट ऑफ ए जी एन ओ थ्री प्रेजेंट इन इट बाई टाइट्रेशन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ से आपका वेट ऑफ वाटर निकल आएगा ए ग्राम क्या था एक ग्राम आपका था कि जो हमने एनोडिक सॉल्यूशन में से जो हमने पूरा ये ए जी एनो थ्री का सॉल्यूशन निकाल रखा एनोडिक कंपार्टमेंट से उसका वेट आपका ए ग्राम है ठीक है अब जो हमने सॉल्यूशन निकाल रखा इसमें आपका पानी भी मौजूद है और आपका ए जी एन ओ थ्री भी मौजूद है तो आपका जो ए जी एन ओ थ्री मौजूद है वो हमने टाइटेशन से निकाल लिया है वो कितना है बी ग्राम है ठीक है तो जो बाकी बचा होगा ए माइनस बी ग्राम वो क्या होगा वेट ऑफ वाटर होगा क्लियर ठीक है ये बात थी आपकी आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिक करेंट जब हमने इलेक्ट्रिक करेंट को पास कराया अब क्या है बिफोर पासिंग इलेक्ट्रिक करेंट इलेक्ट्रिक करेंट पास कराने से पहले इनिशियली तो क्या लिखा है लेट द वेट ऑफ ए जी एन ओ थ्री इन ए माइनस बी ग्राम ऑफ वाटर बिफोर पासिंग इलेक्ट्रिक करेंट बी अब देखो जब हमने यहाँ पर ए जी एन ओ थ्री का इलेक्ट्रोलाइट जो आपके पास है वो हमने सॉल्यूशन पे नहीं डाला है वो हमने एपरेटस पे नहीं डाल रखा है तो उस समय जो आपका ए जी एनओ थ्री का वेट होगा वो हम मान रहे कि सी ग्राम है तो लिखा है द वेट ऑफ ए जी एनओ थ्री इन ए माइनस बी ग्राम ऑफ वाटर ऊपर अभी हमने देखा कि आपका वाटर का वेट क्या है ए माइनस बी ग्राम है तो इस ए माइनस बी ग्राम ऑफ वाटर में जो हम ए जी एनओ थ्री का वेट डाल रहे हैं ए जी एन ओ थ्री जो हम यहाँ पर हम डाल रहे हैं वो उसका वेट कितना है सी ग्राम है ए जी एन ओ थ्री का वेट क्या है वो आपका सी ग्राम है जो इस ए माइनस बी ग्राम ऑफ वाटर पर हम डाल रहे हैं इनिशियली इनिशियली जो हमारे पास ए जी एन ओ थ्री का वेट है वो आपका सी ग्राम है जो यहाँ पर हम पुट करेंगे किस पे ए माइनस बी ग्राम ऑफ वाटर पर जो इस पर यहाँ पर हम पुट करेंगे इनिशियली ए माइनस बी ग्राम हो वाटर पे उसका वेट क्या है आपका ए जी एनो थ्री का वो सी ग्राम है ठीक है तो कंसनट्रेशन में फॉल कितना आया ये देखो इनिशियली आपके पास सी ग्राम है ए जी एनो थ्री और बाद में टाइटेशन करने के बाद ए जी एनो थ्री का वेट क्या आया बी ग्राम आया तो कंसनट्रेशन में ए जी एनो थ्री की कितनी कमी आई सी माइनस बी ग्राम क्योंकि आपका इनिशियली सी ग्राम था बाद में आपका वेट क्या आ गया बी ग्राम आ गया तो आपका फॉलिंग कंसनट्रेशन क्या आ गया सी माइनस बी ग्राम आ गया तो फॉल इन कंसनट्रेशन ऑफ ए जी एन थ्री क्या है सी माइनस बी ग्राम ऑफ ए जी एन थ्री मतलब इतना आपका फॉल इन कंसनट्रेशन आया ऑफ ए जी एन थ्री सिल्वर नाइट्रेट में जो कंसनट्रेशन का फॉल आया वो क्या आया आपका सी माइनस बी ग्राम आया हमें निकालना है क्या है हमें सिल्वर पे जो आपका फॉल इन कंसनट्रेशन है वो निकालना है सिल्वर पे क्यों निकालना है क्योंकि हमने यहाँ पर एनोटिक कंपार्टमेंट में से सॉल्यूशन को निकाल रखा है तो एनओटी कम्पार्टमेंट क्या है ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है यहाँ पर इसमें आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो पॉजिटिव में आपका कौन दूर भागेगा जो आपके एजी प्लस आयन है वो आपके दूर भागेंगे क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो आपके जो ए जी प्लस आयन है उनकी वजह से आपकी कंसनट्रेशन की कमी होगी ए जी प्लस आयन ही तो आपके कैथोड की तरफ भागेंगे उसकी वजह से तो आपकी कंसनट्रेशन भी कमी होगी बाई हिट्रॉप रूल तो यहाँ पर हम सिल्वर पे जो कंसनट्रेशन की कमी है वो हमें फाइंड आउट करनी है हमें अभी क्या पता चल रहा था कि सी माइनस बी ग्राम ऑफ ए जी एनओ थ्री इतना आपका कंसनट्रेशन में फॉल है ठीक है अब हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर कि हमें सिल्वर पे निकालना है कि कंसनट्रेशन में कितना फॉल है तो देखो कैसे निकालेंगे वन मॉलिक्यूल ऑफ ए जी एनओ थ्री ए जी एनओ थ्री के एक मॉलिक्यूल में उसका जो आपका पूरा मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना होता है वन सेवेंटी ग्राम होता है ठीक है और जब यहाँ पर मैं वन ग्राम इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूँ तो वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए जी एनओ थ्री कंटेन वन अपॉन वन सेवेंटी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए जी एनो थ्री अरे ए जी एन ओ थ्री के वन मॉलिक्यूल में उसका जो पूरा वेट होगा मॉलिकुलर वेट वो वन सेवेंटी ग्राम होगा तो जब मैं वन ग्राम इक्विवेलेंट की बात करूँगा तो वन अपॉन वन सेवेंटी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए जी एनो थ्री और हमारे पास एक्चुअली ए जी एनो थ्री है कितना सी माइनस बी ग्राम है इतना तो हमारे पास कंसनट्रेशन में फॉल तो सी माइनस बी ग्राम ऑफ ऑफ ए जी एनो थ्री कंटेंट सी माइनस बी अपॉन वन सेवेंटी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए जी एन ओ थ्री और हमें निकालना क्या है हमें सिल्वर में कितना फॉल आ रखा वो निकालना है तो हम क्या लिखेंगे C माइनस बी अपॉन वन सेवेंटी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो C माइनस बी अपॉन वन सेवेंटी इंटू वन हंड्रेड एट ग्राम ऑफ सिल्वर क्यों क्योंकि सिल्वर का जो आपका मॉलिकुलर मास होगा वो आपका हंड्रेड एंड एट ग्राम होगा तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो C माइनस बी अपॉन वन सेवेंटी इंटू हंड्रेड एंड एट ठीक है और इसको मैंने किसके इक्वल दे दिया स्मॉल डी के इक्वल मैंने यहाँ पर इसको रख दिया है तो आपका यहाँ से क्या आ गया ये आपका आ गया फॉल इन कंसनट्रेशन अराउंड एनोड इन ग्राम इक्विवेलेंट अब हमें निकालना है कि सिल्वर कितना डिपॉजिट हो रखा है सिल्वर कोलामीटर पर तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है लेट द वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इन सिल्वर कोलामीटर सिल्वर कोलामीटर में जो आपका सिल्वर का वेट डिपॉजिटेड है उसको हमने मान लिया कि आपका डब्ल्यू वन ग्राम है ठीक है तो ए जी का जो मॉलिकुलर मास होता है वो आपका एक सौ आठ ग्राम होगा और जब मैं वन ग्राम इक्विवेलेंट की बात करूँगा सिल्वर की तो वन अपॉन हंड्रेड एंड एट ग्राम ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर और हमारे पास कितना ग्राम है डब्ल्यू वन ग्राम हमने लिया है जो आपका सिल्वर डिपॉजिट हो रखा है कोलामीटर पर तो डब्ल्यू वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर कंटेन डब्ल्यू वन अपॉन हंड्रेड एंड एट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ़ सिल्वर जैसे हमने ऊपर किया वैसे हम नीचे भी कर रहे हैं ठीक है थेके? तो डब्ल्यू वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर कंटेन डब्ल्यू वन अपॉन हंड्रेड एंड एट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर और इसको मैं कैपिटल डब्ल्यू से शो कर रहा हूँ तो कैपिटल डब्लू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर तो ये क्या आ गया इतना आपका वेट क्या वो है इतना आपका सिल्वर डिपॉजिट हो रखा है इन ग्राम इक्विवेलेंट एट सिल्वर कोलमीटर ठीक है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सिल्वर आयन ए जी पॉजिटिव आयन ठीक है तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटाइन किसके इक्वल होगा फॉल इन द कंसनट्रेशन अराउंड एनोट इन ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन अमाउंट इन सिल्वर डिपॉजिटेड इन ग्राम इक्विवेलेंट तो फॉल इन कंसनट्रेशन अराउंड एनोट कितना आया स्मॉल डी आया और अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इन ग्राम इक्विवेलेंट वो कितना आया डब्ल्यू आया तो डी अपॉन डब्ल्यू यहाँ से आपका निकल गया ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन और ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनयन निकालने के लिए ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटाइन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अन किसके इक्वल होगा वन के इक्वल होता है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ नाइट्रेट आयन किसके इक्वल होगा वन माइनस डी अपॉन डब्ल्यू के ठीक है तो इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है अब अगला आपके पास है इलेक्ट्रोड्स आर एटैकेबल जब इलेक्ट्रोड्स आपकी अटैकेबल है मतलब जब यहाँ पर हम सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं सिल्वर इलेक्ट्रोड में क्या होगा जो आपने एजी का सॉल्यूशन डाल रखा है एजी इलेक्ट्रोलाइट आपने डाल रखा है तो उसमें जो आपके नाइट्रेट आयंस है वो आपके सिल्वर इलेक्ट्रो के साथ अटैक करेंगे अटैक करने के बाद आपके जो एजी का कंसनट्रेशन है उस पूरे अपरेटस में वो आपकी इंक्रीज़ करेगा क्योंकि इस पर आपके जो नाइटेड आयंस है वो सिल्वर इलेक्ट्रो के साथ रिएक्ट कर रहे और एजी एन बढ़ा दे रहे हैं तो इस बार यहाँ पर हम फॉल इन कंसेंट्रेशन नहीं कहेंगे इस बार हम कहेंगे इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ एनोडिक सोल्यूशन क्योंकि इस बार आपके नाइटेड आयंस ए जी पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके ए जी एनओ थ्री की जो कंसनट्रेशन है वो आपके सॉल्यूशन पे इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इस केस में हम लिखेंगे इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ एनोडिक सॉल्यूशन तो एनोडिक सॉल्यूशन पे जो कंसनट्रेशन का इंक्रीज आ रखा है देखो यहाँ पर क्या आया था आपका फॉल इन कंसंट्रेशन सी माइनस बी ग्राम यहाँ पर क्या था सी माइनस बी ग्राम अभी क्या हो रहा है कंसनट्रेशन में इंक्रीज आया है ए जी एनओ थ्री की कंसनट्रेशन में इंक्रीज़ आ रखा तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी माइनस सीग्रा उल्टा यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि इस बार जो आपका ए जी एनओ थ्री का वेट है जो हमने निकाला है टाइट्रेशन से अभी इस बार आपका वो इंक्रीज कर रखा है फॉल नहीं कर रखा है इस केस में क्या हुआ था फॉल किया था क्योंकि आपका अनेकेबल थे हमने यहाँ पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ किया था तो यहाँ पर आपके अन थे यहाँ पर क्या है हमने ए जी इलेक्ट्रोड यूज़ कर रखा तो ऐसे केस में क्या होगा ये जो आपका वेट है ए जी एन ओ थ्री का जो हमने टाइटेशन से निकाल रखा है वो आपका इंक्रीज़ करेगा ये तो जो आपका बी ग्राम है ये आपका इंक्रीज़ करेगा तो बी माइनस सी यहाँ पर हम लिखेंगे तो इंक्रीज़ इन कंसेंट्रेशन ऑफ एनोडिक सोल्यूशन बी माइनस सी ग्राम ऑफ ए जी एन ओ थ्री ठीक है सिमिलर करेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया था जिस तरीके से हमने यहाँ पर किया था वैसे यहाँ पर हम करेंगे बी माइनस सी अपॉन वन सेवेंटी इन टू हंड्रेड एंड एट ग्राम ऑफ सिल्वर को हम लिख सकते हैं बी माइनस सी अपॉइन वन सेवेंटी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर तो जैसे हमने यहां पर किया था सी माइनस बी अपॉइट वन सेवेंटी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर वैसे ही यहां पर हम लिख रहे हैं आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो क्योंकि हमें सिल्वर का निकालना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो बी माइनस सी अपॉइन वन सेवेंटी इंटू हंड्रेड एंड एट ग्राम ऑफ सिल्वर और इसको मैं किससे शो कर रहा हूं ये आपका स्मॉल ई से इसको हम शो कर रहे हैं और ये आपको क्या बता रहा है कि आपका कंसनट्रेशन में इंक्रीज है ऑफ ए जी एन ओ थ्री ठीक है तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन आपको बता रहा है ऑफ एनोडिक सोलूशन जिसको हमने स्मॉल ई e से शो कर रखा है फिर क्या लिखा है इफ नो ए जी प्लस आयन हैड माइग्रेटेड फ्रॉम द एनोड द इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए जी प्लस आयन वुड हैव बीन इक्वल टू डब्ल्यू अगर आपकी ए जी प्लस आयन कहाँ माइग्रेट नहीं कर रखे एनोड की तरफ आपके माइग्रेट नहीं कर रखे देखो एनोड के आपके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो अगर आपकी एक भी ए जी पॉजिटिव आयन माइग्रेट नहीं कर रहा है एनोड इलेक्ट्रोड की तरफ तो जो आपकी कंसनट्रेशन में इंक्रीज़ आया है ऑफ ए जी प्लस आयन वो किसके इक्वल होगा वो आपके कैपिटल डब्ल्यू के इक्वल होगा जो हमने यहाँ पर निकाला है अगर आपका एक भी ए जी पॉजिटिव आयन एनोड की तरफ नहीं गया है एन एनोड की तरफ माइग्रेट नहीं हुआ है तो आपका जो कंसनट्रेशन में इंक्रीज़ आएगा ऑफ ए जी पॉजिटिव आयन वो आपका इसी के इक्वल रहने वाला है कॉमन सी बात है ठीक है तो जो आपका टोटल फॉलिंग इन कंसनट्रेशन होगा मतलब जो फॉलिंग कंसनट्रेशन होगा ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ एजी पॉजिटिव आयन वो हम क्या निकालेंगे देखो ई e हमारे पास क्या था इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन था तो यहाँ पर हम कैपिटल डब्ल्यू से कैपिटल डब्ल्यू से हम ई e को माइनस कर देंगे क्योंकि ई e क्या बता रहा है आपका ई e आपका इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन बता रहा है ऑफ एनोडिक सोल्यूशन हमें यहाँ पर इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन नहीं चाहिए हमें चाहिए कि फॉल इन कंसनट्रेशन कंसनट्रेशन में कितना फॉल आया ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ ए जी पॉजिटिव आयन वो हमें चाहिए तो वो किसके इक्वल होगा कैपिटल W माइनस ई e के क्योंकि E क्या है आपके पास E आपका इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन in है तो यहाँ पर हम कैपिटल W से E को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टोटल फॉलिंग कंसनट्रेशन ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ ए जी पॉजिटिव आयन ठीक है तो यहाँ से जब हम निकालेंगे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ ए जी पॉजिटिव आयन वो किसके इक्वल होगा W माइनस ई मतलब कैपिटल W माइनस ई अपॉन कैपिटल W ठीक है और यहाँ से हम निकाल सकते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एन ओथी नेगेटिव आए नाइटेड का ट्रांसपोर्ट नंबर वो कहूगा वन माइनस डब्लू माइनस सी अपन डब्लू ठीक है तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं दो केस आपके के बनेंगे यहाँ पर पहला आपका है वैन इलेक्ट्रोड्स आर अन अटैकेबल जब हम यहाँ पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे और दूसरा आपके पास है वैन इलेक्ट्रोड्स आर अटैकेबल तो ये था आपका हिट क्रॉस मेथड फॉर फाइंडिंग द ट्रांसपोर्ट नंबर नेक्स्ट वीडियो पे यहाँ पर हम देखेंगे आपका जो दूसरा मेथड है मूविंग बाउंड्री मेथड फॉर फाइंडिंग ट्रांसपोर्ट नंबर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो